कोकोनट लेमनग्रास सूप। कोकोनट लेमनग्रास सूप के लिए हमें चाहिए 2 कप नारियल का दूध, 1 कप वेजिटेबल स्टॉक या आप सूप क्यूब थोड़े से गर्म पानी में गर्म कीजिए, 4 नींबू के झाड़ के पत्ते, 5 या 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 100 ग्राम पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 कप तोरी बारीक टुकड़ों में कटी हुई, 1 कप गाजर स्लाइस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक। थाईलैंड में वो फिश सॉस इस्तेमाल करते हैं नमकीन फ्लेवर के लिए, लेकिन मैं वेजिटेरियन सूप बना रही हूँ तो मैं नमक डालूंगी। 1 डंडी लेमन ग्रास की, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो नींबू का घास। हम सिर्फ लेमन ग्रास के डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्ते नहीं। 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 फ्रेश लाल मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 भावनगरी मिर्च या हैलोपेनो मिर्ची ऐसे टुकड़े में काटे हुए। तो चलिए बनाते हैं एक लेमन ग्रास कोकोनट मिल्क सूप। तो एक बड़े से सूप के पतीले में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साधारण तेल। तो ये काफी गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं 5-6 लहसुन की कलियां, काफी ऊंची आंच पर है, लेमन ग्रास की डंडियां, दोनों तरह की मिर्ची, लाल मिर्ची और 2 हैलपिनो मिर्ची। तो ये सूप काफी स्पाइसी है, तीखा है, और 4 नींबू के पत्ते, और इसको ये ऑलमोस्ट एक तड़के जैसा है। अब थोड़ा आंच को कम करके इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। 1 कप स्लाइस्ड गाजर, 1 कप स्लाइस्ड तोरी, 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाइए। एनीवे ये पकने वाले हैं नारियल के दूध में, वेजिटेबल स्टॉक में, तो ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालते हैं नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। मैं नमक डाल रही हूँ, थाईलैंड में ये फिश सॉस इस्तेमाल करते हैं नमकीन फ्लेवर के लिए। ये है 1.5 छोटा चम्मच नमक। और अब डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक, 1 कप वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक वेजिटेबल सूप की तरह बनता है। पानी में 1 लीटर पानी में प्याज लहसुन अदरक गाजर डालिए, उसको अच्छी तरह उबालिए, छान के आपका वेजिटेबल स्टॉक तैयार है। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे नारियल का दूध और पनीर। 2 कप नारियल का दूध, 2 थाईलैंड के फ्लेवर्स आ रहे हैं, खुशबू आ रही है। इसमें आप थोड़े कलर के लिए थोड़ा सा चिली पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर चाहिए तो 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। और 100 ग्राम पनीर, थाईलैंड में वो टोफू इस्तेमाल करते हैं जो सोयाबीन से बनता है, वो बिल्कुल पनीर जैसे दिखता है, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है। और अब हम इस सूप को 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह उबालेंगे ढक के धीमी आंच पे। और अब मेरा कोकोनट और लेमन ग्रास सूप तैयार है, मैं इसको परोस लेती हूँ। वाओ, और अगर आप सी फूड खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आप इसमें प्रॉन्स डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मैं इस गर्मा गर्म सूप को परोस लेती हूँ। ये सूप 2 लोगों के लिए काफी है। तो ये है मेरा कोकोनट लेमन ग्रास सूप।